तो गुड मॉर्निंग सभी को। जैसे कि हम इस समय द्वाराहाट में हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं पहाड़ी। आज हम आपको एक बहुत ही स्पेशल जगह ले जाने वाले हैं, एक ऐसे मंदिर पे जो कई साल पुराना है और जिसका लिंक सीधे सीधे रामायण से है। वो मंदिर कहाँ है और उसकी क्या मान्यता है और अभी हम वहाँ पे कैसे जाएंगे, उस सब के बारे में आपको मेरे ट्रैवल गाइड आदि बताएंगे। 14 किलोमीटर डिस्टेंस है उसकी और करीब स्टेयर्स हैं 350 के करीब। चलो हम वहीं जाके देखेंगे उसकी कहानी, वहीं जाके आपको बताएंगे मंदिर के की ओर चलते चलते। तो जैसे आदि ने आपको बताया 14 किलोमीटर है, तो वो जो डिस्टेंस है वो द्वाराहाट से है, द्वाराहाट से वो 14 किलोमीटर है। उसके बाद 350 सीढ़ी चढ़ के हमें मंदिर में पहुंचना होगा। तो अभी हम आपको मंदिर लेके जा रहे हैं और जैसे कि आपको मैंने बताया मेरे पीछे जो पहाड़ी है हमें वहीं पे जाना है, तो चलते हैं मंदिर की ओर। सफर की शुरुआत हो चुकी है। यह है द्वाराहाट का सबसे फेमस साईं भगवान का टेंपल और हमको जाना है 14 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है, जिसमें हमको करीब 20 मिनट या आधा घंटा लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। और रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, पूरे ओक के ट्री हैं इस वे में, काफ़ी शानदार व्यू है पूरे रास्ते का, बहुत खूबसूरत रास्ता है और बहुत खूबसूरत रोड है। यहाँ बनी हुई पूरी हॉटमिक्स रोड है, नई बनी हुई है। यहाँ से एक रास्ता चला जाता है कौसानी की ओर को, जो नीचे का रास्ता गया वो कौसानी को चला गया। बहुत सारे लोग भी जा रहे हैं मंदिर की ओर, काफ़ी खूबसूरत है मंदिर। अब मंदिर की डिस्टेंस बच गई है 5 किलोमीटर, हम पहुँच गए हैं दुधोली गांव। ये यहाँ के लोग बहुत कर्मठ हैं काम करने में और यहाँ दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत शानदार व्यू है पूरे रास्ते का, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा इस रोड पे बाइक चलाने में। और ये देखिए यहाँ पे एक केमिन का गेस्ट हाउस भी है, आप यहाँ पे आके भी रेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा गेस्ट हाउस है केमिन का, यहाँ पे एक होटल ये भी मिल गया यहाँ पे हमको। काफ़ी खूबसूरत व्यू है, देखिए बहुत सारे बुरास के फूल लगे हुए हैं पूरे रास्ते में चारों ओर, काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा है। बुरास जो उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है, लाल रंग का फूल होता है और सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है इसका जूस पीने में। अब हम मंदिर में की ओर पहुंचने वाले हैं, मंदिर के पास नीचे जो उसका बेस स्टेशन है वहां हम पहुंच जाएंगे कुछ देर बाद। करीब 2-3 किलोमीटर और दूरी हमको तय करनी है। आप देख सकते हैं रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है और नीचे चारों ओर व्यू है और बहुत सारे लोग के प्लॉट भी हैं यहाँ पे। मुंबई से दिल्ली से जो लोग आते हैं उन्हें बहुत सारी ज़मीन खरीदी हुई है अपने लिए और बहुत अच्छे से गेस्ट हाउस भी ऊपर साइड में और हैं रहने के लिए, जो इस शांत वातावरण में बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे लोग यहाँ योगा करने भी आते हैं, यहाँ एक पास में गुफा भी है जहाँ योगा वगैरह करते हैं। जो हमारी एक मिनिस्टर हैं उमा भारती जी, वो भी आती हैं और एक फेमस फिल्म स्टार हैं रजनीकांत जी, वो भी यहाँ बहुत बार आते हैं, साल में एक दो बार आते ही आते हैं वो लोग यहाँ पे। आप भी ज़रूर आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ का मौसम। काफ़ी ठंडा मौसम है क्योंकि स्नोफॉल यहाँ पे विंटर्स में काफ़ी होता है इस पूरे इलाके में। देखिए हम पहुँच चुके हैं मंदिर के बेस एरिया में जहाँ से स्टार्ट होंगी। देखते हैं गाड़ी कहाँ पार्क करें, तो गाड़ी इसके अंदर डाल पार्क करते हैं गेट के पास में। उस साइड में बहुत सारी बाइक लगी हुई है, मंदिर के आगे बाइक खड़ा करना मना है, इसलिए बाइक यहीं पार्क कर देता हूँ मैं अपनी। तो जैसे ही हम दूनागिरी मंदिर की ओर आगे बढ़े, आप देख सकते हो मेरे सामने दो पीक के बीच में एक वाइट पीक दिख रही है। जो पीछे वो वाइट पीक आप देख रहे हैं वो त्रिशूल पर्वत है और जो मेरे आप लेफ्ट में पीक देख रहे हैं ये है भरतकोट, जिसको आप भटकोट भी बोलते हैं। और जो मेरे राइट में पीक है वो है पांडवखोली। तो पांडवखोली वो जगह है जहाँ पे पांडवों ने तपस्या की थी और भरतकोट वो जगह है जहाँ से भरत ने हनुमान जी को तीर मारा था जब वो संजीवनी पर्वत लेके जा रहे थे। आप दोनों इन दोनों पर्वतों पर ट्रैकिंग होती है, आप कर सकते हैं, बट इसकी ट्रैकिंग के लिए कोई गाइड अवेलेबल नहीं है, लोकल पीपल की हेल्प से आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं और ऊपर तक जा सकते हैं। तो फाइनली द्वाराहाट से हम दूनागिरी मंदिर के पास पहुँच गए हैं। जो ये जगह है इसे मंगली खान बोलते हैं, आप देख सकते हो मेरा ट्रैवल गाइड प्रसाद लेते हुए, और वो सामने दूनागिरी मंदिर।
ठीक मंदिर के नीचे हनुमान जी का टेम्पल है, जहाँ से स्टेयर स्टार्ट होती है। यहाँ पे मार्केट है जहाँ पे आपको प्रसाद मिल जाएगा और जलपान वगैरह की व्यवस्था हो जाएगी। चलते हैं मंदिर की ओर, यहाँ से स्टेयर्स स्टार्ट होगी, कई 350 स्टेयर्स होंगी। यहाँ पे भी एक शॉप है, आप मैगी वैगी खा सकते हैं। यहाँ पे प्रसाद आपको नीचे देने पड़ेगा, जलपान यहाँ पे कर सकते हैं। मैं तो आपका नाम क्या है? गोपाल सिंह। गेट शॉप है, थोड़ा बहुत मंदिर के बारे में इनसे पूछते हैं। यहाँ पे लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, तो क्या कहते हैं भरतकोट है, भरत जी ने यहाँ पे हनुमान जी पर्वत लेके आ रहे थे, द्रोणाचल पर्वत लेके आ रहे थे, तो उन्हें तीर मारा तो उसका एक हिस्सा यहाँ पे गिर गया, जिसमें संजीवनी बूटी ये सारी जड़ी बूटियां है यहाँ पे। और बाकी यहाँ से दुनागिरी की लेंथ कम से कम 430 स्टेप है यहाँ से ऊपर, कम से कम आपको 25-30 मिनट लगेगा दुनागिरी मंदिर पहुंचने में आपको। पहले आपने हनुमान जी का टेम्पल देखा, यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है, क्योंकि गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है हिंदू धर्म में। खूबसूरत स्टेयर्स हैं, ये किनारे संगमरमर का पत्थर लगे हुए देख रहे हैं, ये उन लोगों ने डोनेट किया हुआ है इस स्टेयर्स को बनाने के लिए, उन लोग के नाम यहाँ पर लिखे जाते हैं। जब भी आप आएँ तो आप भी ऐसे ही दान दे सकते हैं। वहाँ पे देखिए चारों ओर लिखे हुए हैं नाम बहुत सारे लोगों के जिन्होंने डोनेट किया हुआ है मंदिर समिति को। बस पहुँच चुके हैं हम मंदिर के मुख्य द्वार पे, बस कुछ स्टेयर्स और हमने चढ़नी है, उसके बाद हम मंदिर परिसर में प्रवेश कर लेंगे। काफी सुंदर है, देखिए बिल्कुल रेड कलर की है, राजस्थान से पत्थर आया हुआ है। यह है मंदिर का मुख्य मार्ग, इसके आसपास भी बहुत सारी शॉप है, जैसे आप प्रसाद खरीद सकते हैं, इस मंदिर की फोटो भी खींच सकते हैं, खरीद सकते हैं यहाँ से। विंटर्स में यहाँ पे भी स्नोफॉल काफी होता है, इस बार यहाँ बता रहे हैं कि इस बार यहाँ पे 4 बार स्नोफॉल हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा। ये मंदिर पूरा ढक जाता है बर्फ से, चारों CCTV लगे हुए हैं, लिखा है आप कैमरे की नज़र में कृपया फूल पौधों के से छेड़छाड़ ना करें। यहाँ बगीचा बनाया हुआ है, अच्छे से खूबसूरत फूल लगाए हुए हैं। यहाँ पर आपको अपने शूज वगैरह उतारने हैं और यहाँ पर पानी की एक टंकी लगी हुई है जहाँ पर आप अपने हाथ पांव धो सकते हैं मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले। तो 350 या उससे भी ज़्यादा सीढ़ियाँ जो मैंने गिनी नहीं उसे पार करके हम मंदिर की कुछ मुख्य द्वार पर पहुँचे, यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ और हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्वती झूला लगाया गया है और नीचे पूरी घाटी जिसमें द्वाराहाट आप देख सकते हैं, और ये सामने पानी की टंकी, आप हाथ पैर धो के ऊपर मंदिर की ओर जा सकते हैं। और अब ये कुछ और सीढ़ी जो सीधे हमें मंदिर तक लेके जाएंगी। मंदिर के मुख्य मार्ग में कुछ छोटे मंदिर हैं, ये सामने गोली देवता जी का मंदिर है, काफी खूबसूरत है मंदिर के चारों ओर का व्यू। यह है दुनागिरी में महातार बाबा जी की तपस्थली, इसी के साथ आया है भैरव मंदिर, एक मंदिर भैरव मंदिर भी है क्योंकि माता जी के यहाँ भैरव का मंदिर होना आवश्यक है।
तो फाइनली सामने एक और हनुमान जी का मंदिर और हम माता की दरबार की ओर पर पहुंचते हुए आप देख सकते हैं सामने दुनागिरी मंदिर है जो लाल रंग से पेंट किया है जिसमें। और ये रहा दुनागिरी मंदिर। मंदिर के जो भीतर है उसके अंदर की फोटो खींचना बनाया वीडियो बनाना भी बनाया। मैं आपको चारों ओर से पूरा मंदिर का व्यू दिखा रहा हूँ। खूबसूरत टाइल्स लगी हैं बिल्कुल चेस बोर्ड की तरह। यह है धोनी यहाँ पे। यह पूरा मंदिर बिल्कुल चारों ओर ओक के ट्री हैं और मोर पंखी के और बुरास। ये पूरा मंदिर का व्यू है। ठीक मंदिर के नीचे स्थित है यह भंडारा जहाँ मंदिर का प्रसाद मिलता है। सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक यहाँ प्रसाद मिलता है रोज।